मैं जादूगर मणिपुर राजीव ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। इस डक के सबसे ऊपर वाला कार्ड कौन सा है वो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड जोकर निकला। जोकर को मैं लेकर नीचे रख देता हूँ। अब दूसरा कार्ड कौन सा है वो देख लेते हैं। दूसरा कार्ड इंड का एक्का निकला। इंड का एक्का मैं अपना हाथ में रख देता हूँ। इंड का एक्का मैं अपना हाथ में रखा, जोकर को मैं नीचे रखा। अब ये जोकर बन गया है। जो जोकर नीचे रखा है वह इंड का एक्का बन गया है। अब इस डक का ऊपर वाला कार्ड देख लेते हैं दोस्तों। हुक्म का तीन है। इसको हम लेकर बीच में रख देते हैं। और ऊपर आ गया है। अब इसका टॉप कार्ड देख लेते हैं। चीड़ी का किंग है। इसको बीच में यहाँ पर रहने दो। अब इसको पूरा अंदर जाने दो। वह ऊपर आ गया है। अब इस जादू का रहस्य की ओर चलते हैं दोस्तों। इससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को दबा के तीन ऑप्शंस आएंगे जिसमें और को सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। ये तीनों जादू के रहस्य की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले वाला जो जादू दिखाया था उसके लिए हमें चाहिए एक जोकर, कोई भी एक ही तरह के दो कार्ड। मैंने लिया है दो इंड का इक्का। जोकर के ऊपर एक इंड का इक्का रख दीजिए और दूसरा इंड का इक्का जोकर का नीचे रख दीजिए। बीच में जोकर रहेगा और ये तीनों पत्तों को डक के सबसे ऊपर ऐसा रख दो। अब इसको फॉल्स शफलिंग करो। ऊपर वाला जो तीन पत्ता है वह ऊपर ही रहना चाहिए। कोई भी तरीके से आप फॉल्स शफलिंग कर सकते हो। याद रहे ऊपर वाला तीन टास वहीं पर ही रहना चाहिए। अब ऊपर वाला पत्ते को यानी टॉप कार्ड को डबल लिफ्टिंग करना है। उसका सबसे आसान तरीका है, आप अंगूठे से कर सकते हो या पिंगी फिंगर से भी कर सकते हो। उससे भी आसान तरीका अपने हाथ के अंगूठे से करना है। यहाँ से दो कार्ड को डाल दीजिए, थोड़ा सा ऊपर उठाकर ये जो पिंगी फिंगर है बाएं हाथ का उसको यहाँ पर ऐसा रख दीजिए। अब टॉप कार्ड को निकालना है। यहाँ से दो कार्ड इकट्ठा लेना है ऐसा। ये जोकर है उसको उल्टा रख दीजिए और जोकर को यहाँ पर रख दीजिए। हमने डबल कार्ड उठाया था इसलिए जोकर यहाँ पर है और ये इंड का एक्का है। अब फिर डबल लिफ्ट कर दीजिए। यहाँ से दो उठा करके
पिंगी फिंगर लगा कर रख दीजिए ऐसे, और यहां से उठाकर इंड का एका दिखा दीजिए ऑडियंस को, और इसको ऊपर रख दीजिए और आपका हाथ में रख दीजिए। इंड का एका यहां पर रह गया और ये जोकर बन गया। इस पर जादू लगाइए, हाथ वाला इंड का एका जोकर बन गया, नीचे वाला जोकर इंड का एका बन गया। दूसरा जो जादू दिखाया था सेम आइडिया है इसका भी, डबल शिफ्टिंग करना है, यहाँ से दो कार्ड को शिफ्ट कर दीजिए और पिंगी फिंगर को यहाँ पर रख दीजिए और ऐसा रहेगा, दोनों कार्ड को इकट्ठा ऐसा उल्टा कर दीजिए। ये चीड़ी का तीन है, इसको फिर उल्टा रख दीजिए। चीड़ी का तीन को लेकर बीच में कहीं भी डाल दीजिए, चीड़ी का तीन यहाँ पर आ गया है। जो तीसरा आइटम दिखाया था उसका भी सेम आइडिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अंगूठे से डबल लिफ्ट करना है, पिंगी फिंगर यहाँ पर लगा देना है ऐसे, और यहाँ से दोनों को एक साथ ऐसा उल्टा कर देना है। पान का गुल्ला है, इसको दोनों कार्ड को लेकर बीच में ऐसा घुसेड़ देना है या इंसर्ट कर देना है। घुसेड़ते हो तो क्या करो, पान का गुल्ले को बीच वाला अंगुली से ऐसा अंदर कर दो, और जब थोड़ा अंदर चले जाता है इस उंगली से इसको थोड़ा सा पीछे ऐसा धकेल दो, तो क्या होगा, पीछे जो पान का गुला था वह कार्ड यहाँ पर आके ऐसा सेपरेट आ जाएगा, इसमें से ऐसा तीन चार कार्ड निकालकर ऊपर रख दीजिए। यानी जो पान का गुल्ला ऑडियंस को दिखाया था, डबल कार्ड लिफ्ट करने के वजह से वह पता ऊपर आ गया, दूसरा तरह से वह यहाँ पर है, को अंदर कर दीजिए। पान का गुल्ला ऊपर आ गया है।